किसी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखते रहना, आप घर बैठ के ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। आज दिखाएंगे नेबुलाइजर मशीन। सर्दी का टाइम हम लोग को दिक्कत होता है, हम लोग को नेजल स्प्रे यूज़ करता है, नेजल ड्रॉप यूज़ करता है, उसके बाद कोई सांस का तकलीफ होता है तो हम लोगों को इनहेलर यूज़ कर सकता है। तो किसी का ज़्यादा तकलीफ हो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे वो आज दिखाएंगे। तो आज जो मशीन लेकर आया है दिखाने के लिए वो है नेबुलाइजर मशीन। ये नेबुलाइजर मशीन कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी है, ऐसा इसमें कुछ खास बात नहीं है जो आप ऑपरेट कर नहीं सकते हो। तो हम लोग को जूम करके दिखा रहा है वीडियो, ये है हम लोग को नेबुलाइजर मशीन है। इसमें एक पावर बटन दिया है जो हम लोग ऑन ऑफ करने के लिए, इधर में हम लोगों को कनेक्शन करना होता है जब हम लोगों को कोई मास्क लगाएंगे तो, और ये जो हम लोगों को पावर कॉर्ड है ये हम लोगों को कनेक्शन कर लेना है। अभी जो आ रहे इधर से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो मास्क देख रहे हो यही हम लोगों को नेबुलाइजर मास्क। इसमें अंदर हम लोगों को डार्क लोड करना पड़ता है। दिन में ऐसा होता है ये पेडियाट्रिक के लिए इसके छोटा होता है। क्या क्या डार्क यूज़ कर सकते हैं, हम लोगों को डोलिन यूज़ कर सकते हैं, किसी मेडिसिन दुकान में आपको मिल जाएगा। अब एस्टोलिन यूज़ कर सकते हो और बूटिकॉर्ड यूज़ कर सकते हो। तो ये कॉमन है, हम लोगों को सांस का तकलीफ होता है तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये ड्रग हम लोग इधर में हम लोगों को ऐसे ही लोड कर लेना है। इसको ऐसे तोड़ के करने के बाद हम लोग को इधर बंद कर देंगे। करने के बाद मशीन को चालू कर देंगे। क्विट जो ड्रग हम लोग दे रहे हैं वो फॉगिंग होके जो मरीज के पास चला जाएगा उसका बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगा। किसी का तकलीफ हो या आप घर बैठ के आपको ट्रीटमेंट कर सकते हो।